खबर आ रही है झाबुआ से, जहां झाबुआ जिला अध्यक्ष मनोहर सेठिया का रंगरलिया मनाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में भाजपा जिला अध्यक्ष एक युवती के साथ रंगरलिया मना रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झाबुआ से, जहां झाबुआ अध्यक्ष मनोहर सेठिया का रंगरलिया मनाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता मुकेश परमार से। सुन पा रहे मुकेश जी? जनजाति सम्मेलन को संबोधित करने कल 4 अक्टूबर को झाबुआ पहुंच रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे को एक दिन पहले भाजपा के जिला संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। कल देर शाम जिलाध्यक्ष मनोज सेठिया को तबियत का हवाला देते हुए इंदौर के संभागीय संगठन मंत्री को अपना इस्तीफा देने किया, जिसे स्वीकार करते हुए संगठन ने ओम प्रकाश शर्मा को जिले की कमान सौंपी गई। भाजपा संगठन और स्वयं मनोज सेठिया इस्तीफे के पीछे सेहत के कारण बता रहे हैं, लेकिन इनका के लिए जाने का पीछे मनोज सेठिया एक युवक के साथ वायरल हुए फोटो को कारण बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा के अमित शाह के दौरे के दौरान भाजपा किसी तरह मित्रों तो बताने के लिए ताबड़तोड़ फैसला किया गया। पार्टी संगठन द्वारा अचानक किए गए इन फैसले में कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हालांकि पार्टी संगठन का दावा कर रहा है कि इस बदलाव में अमित शाह दौरे के पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी तैयारियों का असर जरूर पड़ेगा। वही कांग्रेस इस मुद्दे को बनाकर भाजपा पर हमला कर रही। मुकेश जी, इस मामले का खुलासा कैसे हुआ? इस मामले का जब सोशल मीडिया पे वायरल हुए फोटो को लेकर संगठन और तमाम पदाधिकारियों को हाईकमान तक इस तरह फोटो और वीडियो वायरल किए गए, उन्हीं को लेकर संभागीय संगठन ने ताबड़तोड़ फैसला लिया गया और रातों रात कल ही रात को ये फैसला दिया गया कि इस्तीफा की मांग की गई और तुरंत उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कहीं कहीं पार्टी को उम्मीद होने की प्रोसेस को लेकर मुकेश जी, भाजपा जिला अध्यक्ष पर क्या कार्रवाई कर रही है पार्टी? अभी तक जो फिलहाल का जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है, अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन कार्रवाई को अभी तो अमित शाह कल के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही है, उन्हीं को लेकर और जो नए जिला अध्यक्ष बने उन्हीं को बधाई देने में जुटी हुई है। मुकेश जी, के संगठन और पार्टी पदाधिकारियों के पास शिकायत पहुंची है जिसे अमित शाह के आने के पहले रातों रात हटा दिया गया? जी जी बिल्कुल, जब तक हम आपको बताना चाहते हैं झाबुआ जिला मनोज सेठिया की इस्तीफे के बाद जिला प्रशासन ने पूछा, एक दर्जन से अधिक जिला व नगर कार्यकारिणी पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। देर शाम तक कई लोगों का नाम इस्तीफे की सूची में शामिल होने का आसार है। धड़ल्ले से पार्टी पदाधिकारियों को इस्तीफे अमित शाह के कार्यक्रम को लग सकता बड़ा झटका। भाजपा पर चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? आदिवासी क्षेत्र हो आदि में माना जाए तो सबसे ज्यादा बीजेपी के जिलाध्यक्ष जो पूर्व में इस्तीफा दिया उनकी पकड़ अच्छी खासी मानी जाती है, लेकिन इस तरह की पार्टी को दूषित करते हुए और कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान हो सकता है बीजेपी के। मुकेश जी, मनोहर सेठिया किस नेता के खास बताए जा रहे हैं? ये एक सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि वो अभी कहीं इंदौर के रेस्टोरेंट से पता लगी और उन्हें तस्वीर में जो युवती दिखाई जा रही है वो कहीं इंदौर से बताई जा रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश जी धन्यवाद। इस वक्त झाबुआ से, जहां झाबुआ जिला अध्यक्ष मनोहर सेठिया का रंगरलिया मनाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में भाजपा जिला अध्यक्ष एक युवती के साथ रंगरलिया मना रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झाबुआ से, जहाँ झाबुआ जिला अध्यक्ष मनोहर सेठिया का रंगरलिया मनाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। कोई क्यों, तो खुद क्यों नहीं पहुंचाता? पर सुनेगा कौन? खुद मुख्यमंत्री सुनेंगे।